बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एलोवेरा के क्यूब्स बनाना बताएंगे कि आप एलोवेरा से किस तरीके से आइस क्यूब्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान वे है एलोवेरा से आइस क्यूब बनाने का। और फ्रेंड्स, एलोवेरा आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। समर सीज़न में स्किन केयर रूटीन में अगर आप एलोवेरा क्यूब को शामिल कर लेते हैं तो आपकी स्किन के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके सनटैनिंग को भी रिमूव करेगा, एक्ने पिंपल्स को भी रिमूव करेगा, इसके साथ ब्लेमशेस को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, मैंने एलोवेरा का एक पीस लिया है। पहले हम इसकी जो एजेस हैं उनको हम पील कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये वाली साइड छोड़ देनी है और आपने इसका जो छिलका है इसको आप पील आउट करेंगे। फ्रेंड्स, पील करने के बाद अब आप इसकी पीसेस काट लीजिए। चाहे तो आप इस तरीके से पीसेस को रहने दीजिए या आप मजीद छोटे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब चाहिए एक अदद प्लेट। इसके अंदर आप कोई सी भी शीट ले सकते हैं, इसके ऊपर आप रखेंगे अपने इन एलोवेरा पीसेस को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे और उसको फ्रीज़ करेंगे ताकि ये क्यूब की शक्ल में आ जाएं। तो जी फ्रेंड्स, जो हमारे एलोवेरा आइस क्यूब्स थे वो रेडी हैं, वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं। ये मेरे पास आइस क्यूब है, इसका मैं अपने फेस पर अच्छे से इसका मैं मसाज करूँगी। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि अगर आप धूप से घर आ रहे हैं या बाज़ार से घर आ रहे हैं तो आपने एक आइस क्यूब निकालना है और अपने फेस पर इसका मसाज करना है ताकि फ़ौरन से जो सन टैनिंग है वो रिमूव हो जाए। और इसके अलावा फ्रेंड, ये आपके डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत बेस्ट है, आपकी एक्नी और एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, एक्नी स्कार्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और आपकी स्किन के लिए ये वैसे ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो एलोवेरा है ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंड, आपके ये ऊपर पोर्स को भी मिनिमाइज़ करेगा। आपकी स्किन केयर रूटीन में आप एलोवेरा क्यूब को ज़रूर शामिल कीजिएगा, ख़ासकर समर में। फ्रेंड, इस तरीके से इसका मसाज फेस पर बहुत ज़बरदस्त और आसानी से हो जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को चाहिए एक जिप लॉक बैग, जिस तरीके से मेरे पास है मिनी साइज़ का। इसके अंदर मैं अपने इन तमाम क्यूब्स को दोबारा से फ्रीज़ करूँगी। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे एलोवेरा क्यूब्स फ्रीज़ होने के लिए भी रेडी हैं। फ्रेंड्स, आपने इसको मगरिब के बाद एक क्यूब निकालना है और अपने फेस पर आपने डेली इसका मसाज करना है। और अगर आप दोपहर में इसका यूज़ करना चाहते हैं, घर वापस आ रहे हैं बाज़ार से, तब भी आप इसका एक क्यूब निकाल कर ईज़िली अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं। फ्रेंड, मसाज करने के बाद आपने अपने फेस को वॉश ज़रूर करना है। जी फ्रेंड, होप से फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।